हल्द्वानी शहर में एक बार फिर सीएम धामी का बुलडोजर अतिक्रमण पर चला है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्यवाही चल रही है। बनभूरपुरा मलिक के बगीचे में नगर निगम की जेसीबी चली और अतिक्रमण को तोड़ा गया। नगर निगम के द्वारा उस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। हल्द्वानी के मलिक बगीचे में करीब 1 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे नगर निगम ने पूर्ण रूप से खाली करवा दिया है। इसके अलावा स्थायी अतिक्रमण पर नोटिस भेजने की तैयारी कर ली गई है। नगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट ने यह कहा कि जल्द ही हल्द्वानी से सभी स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे। फिलहाल प्रशासन ने जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया है उसकी तारबाड़ करनी शुरू कर दी है। का विषय है कि मलिक का बगीचा नाम से क्षेत्र जो जाना जाता है बनभूपुरा में, उसमें 2.5-3 साल पहले यहाँ पर एक अतिक्रमण तोड़ा गया था और संदेश दिया गया था कि नजूल जमीन है, उस पर कब्जा न किया जाए। लेकिन उसके बाद भी मैंने संज्ञान में आया कि पिछले कुछ दिनों की यहाँ पर प्लाटिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैंने निरीक्षण कराया तो पाया कि एक पूर्व में आधी बिल्डिंग बनी हुई थी उसको पूरा कर दिया गया, कुछ दो प्लाटिंग और कर दिए गए थे, अवैध रिक्शा स्टैंड पार्किंग बना दी गई थी और यहाँ पर अस्तबल बना दिया गया था। अभी संज्ञान में आया कि एक यहाँ नमाज पढ़ने की जगह बना दी गई है, एक मदरसे वाली संज्ञान में भी आ रही है। लेकिन आज की कार्रवाई में हम जो बनी संरचनाएं हैं उसको हमने आज टच नहीं किया है, उनको नोटिस देने का काम करेंगे। और जो ज़मीनें अस्थायी रूप से संरचनाएं बनाकर कब्जा की गई थी, उनमें जो अस्थायी संरचनाएं थी, अस्तबल था, पार्किंग थी, शौचालय था, दीवारें थी, उनको तोड़ करके कब्जा ले रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि आज रात तक हम इसमें तारबाड़ करके कब्जा प्राप्त कर लें। और मैं आप मीडिया के माध्यम से यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो ज़मीन खाली पड़ी है उसको लावारिस न समझें, उस पर कब्जा करने का प्रयास न करें, अन्यथा हम कब्जे में भी लेंगे, FIR भी कराएंगे। क्योंकि जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि इसमें टीमें काम कर रही हैं और आज ये यहाँ पर बनभूलपुरा में यहाँ पर जो भी ये नजूल नगर निगम की जो लैंड थी इस पर काफ़ी मात्रा में इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, जो कि मौके पर जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दो स्ट्रक्चर जैसे दिखाई पड़ रहे हैं जिसको ये मदरसा और मस्जिद का नाम दे रहे हैं, जबकि इसमें खुद इनके द्वारा बताया गया है कि मस्जिद नहीं है, मात्र यहाँ नमाज पढ़ते हैं। इनके पेपर मांगे गए हैं, जो भी पेपर ये देते हैं उसके उपरांत नोटिस देने के उपरांत इसके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी।